सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बुक वाला है। हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है हाउ कॉन्टेजन वर्क्स, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाउलो गियोर्डानो। तो कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी देने के लिए ये बुक लिखी गई है। इस बुक का पूरा नाम वैसे है हाउ कॉन्टेजन वर्क्स, साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, और इसे लिखा है इटली के भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिसिस्ट जिनका नाम है पाउलो गियोर्डानो। अच्छा, इस बुक के साथ एक और बुक मैं आपको बताता हूँ। उस बुक का नाम है डेडलिस्ट एनिमी आवर वॉर अगेंस्ट किलर जर्म्स, और इस बुक को दो जनों ने मिलकर लिखा है। एक तो महामारी के विशेषज्ञ हैं माइकल ऑस्टरहोम और दूसरे लेखक हैं मार्क ऑल्शेकर, और इन दोनों बुक्स को मई में रिलीज कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन के तहत कवरेज में सबसे ऊपर रहा है यानी कि टॉप पर रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई के तहत सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवरेज करने के मामले में, और कितना एरिया, 2.06 लाख हेक्टेयर को कवरेज करने के साथ तमिलनाडु टॉप पर रहा है। फर्स्ट पे तमिलनाडु है, सेकंड पे कर्नाटक है, और थर्ड पे है गुजरात। अच्छा, ये तो बात हो गई वित्त वर्ष 2019-20 में कि इतने हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के साथ कवरेज करने के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं 2015 से 2020 तक की, तो फिर कर्नाटक टॉप पे रहा है 8.16 लाख हेक्टेयर कवरेज के साथ। उसमें सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड पे है गुजरात। तमिलनाडु इस मामले में चौथे स्थान पर है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। बाकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करेंगे तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 1 जुलाई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य है माइक्रो इरिगेशन जैसे उपायों के माध्यम से कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना। बाकी अगर तमिलनाडु की बात है तो येरा मैप में तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में ही है। मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा याद रखना, अभी हमने पढ़ा था कि मोदी किचन पहल की शुरुआत भी कहां पे की गई थी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और अभी तमिलनाडु में 38वां नया जिला बना था, कौन सा, मयिलादुथुरई। और दो मंदिर मैं आपको हमेशा बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो मीनाक्षी मंदिर है और एक सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर तो आपके केरल में है और मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो कामराजार पोर्ट है, जिसे पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये वैसे तो भारत का 12वां मेजर पोर्ट है, पर अभी ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि भारत सरकार ने इसमें जो अपनी 66.67% की हिस्सेदारी थी उसको 2,383 करोड़ रुपये में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेच दिया है। बाकी एक रूपा गुरुनाथ का नाम और याद रखो आप, क्योंकि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभी पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में भी टॉप पे रहा था आपका तमिलनाडु। स्टेट एनिमल की बात करेंगे, राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर, राजकीय पक्षी है कबूतर, राजकीय पुष्प है कुमुदुनी का, और राजकीय वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष यानी कि पाम ट्री। ये पाम ट्री आपको आरबीआई का जो लोगो है ना वहां पर भी मिलेगा। चलो एक प्रश्न बन जाता है यहाँ से आपके लिए, या आपके लिए प्रश्न बना रहा हूँ। जो आरबीआई का लोगो है मैंने बताया, वो जो पेड़ है वो तो ताड़ का वृक्ष है, पाम ट्री है। उसके नीचे जो एक जानवर आपको दिखा होगा ना, वो जानवर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो जानवर कौन सा है। वैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं किस किस को याद रहता है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी कि स्पोक्समैन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुराग श्रीवास्तव को। तो अभी हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि स्पोक्समैन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अभी तक ये जो अनुराग श्रीवास्तव थे ये इथियोपिया में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि प्रवीण राव, कल ही हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है, नेस्कॉम के चेयरमैन इनको बनाया गया है। संगीता रेड्डी की बात करेंगे, फिक्की की अध्यक्ष ये बनी है, नया अपॉइंटमेंट ही है। और निरंजन हीरा नंदानी ये एसोचेम के अध्यक्ष बने थे, ये भी नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है हमारे, सुब्रमण्यम जयशंकर है। और अभी नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने थे, हर्षवर्धन श्रृंगला बने थे। ये अभी तक हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, लेकिन अब अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, तरनजीत सिंह संधु, उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2024 तक।
तो नासा ने 2024 तक चांद के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना बनाई है। नासा वैसे अभी आर्टेमिस प्रोग्राम पे काम कर रहा है जिसका उद्देश्य है 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। अब बात नासा की है तो नासा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि नासा सूर्य के अध्ययन के लिए अभी नासा ने किस मिशन की घोषणा की है, तो उस मिशन का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है उस मिशन का? सनराइज मिशन। और सनराइज की भी फुल फॉर्म याद रखो, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। एक और मिशन है नासा का सन की स्टडी करने के लिए, उसका नाम है पार्कर मिशन। और नासा की चंद्रमा की स्टडी के लिए जो मिशन है उसका नाम क्या है? मिशन आर्टेमिस। और मैंने आपको बताया था कि इनका जो मार्स मिशन है जो इसी साल शुरू करेंगे ये, जिसमें एक रोवर भेजा जाएगा, उस रोवर का नाम क्या है? पेरसेवरांस। क्या है? पेरसेवरांस। अच्छा नासा की फुल फॉर्म की बात करेंगे, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसका स्थापना वर्ष कब होता है? जब डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। और नासा से दो नाम मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ, एक तो क्रिस्टीना कोच का नाम है और एक जेसिका मीर का नाम है। इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष में पुरुषों के बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर चहलकदमी करके इतिहास बनाया था, जबकि क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने महिलाओं में, 328 डेज तक ये रही वहां पे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल को। तो हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अच्छा इसे 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा, एक्चुअली 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को इसे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे को। अच्छा चलो आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताओ वर्ल्ड हेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वैसे इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, आपसे पूछा जा रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देखते हैं किस किस को पता है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी थीम रहेगी, थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। मिडवाइव्स बोलते हैं दाई माँ को, दाई माँ जानते हो ना, दाई माँ किसे कहते हैं। अच्छा नर्सेज से याद आया, एक इंपॉर्टेंट डेज हम मनाते हैं नर्स पे, इंटरनेशनल नर्स डे, बता सकते हो कब मनाते हैं? तो याद रखना 12 मई को मना। तो देखो चीजों को इसी तरह से आप लिंक कर करके याद रखोगे ना तो आप कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। भाई भूलते कब है? आप चीजों को पकड़ो, प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पता लगाओ कारण क्या है। तो हम चीजों को भूलते कब है? जब हम उसके टच में नहीं रहते। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, आपका बचपन में कोई दोस्त रहा होगा, कभी दोस्तों के नाम भूलते हैं क्या? लेकिन आप जब थर्ड स्टैंडर्ड में होंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में होंगे, क्या आपको सारे आपके दोस्तों के नाम याद है क्या? नहीं याद। क्यों? क्योंकि आप उनके टच में नहीं रहे। आज के आपके दोस्तों के सारे नाम आपको याद है, क्यों? क्योंकि आप उनके टच में हो, रेगुलर उनके नाम बोलते रहते हो आप, तो आप उनके नाम बार बार बोल रहे हो, एक आध दिन में, दो चार दिन में बात करते रहते हो, तो उनके नाम आपको याद है। तो बार बार बोलने को ही हम रिवीजन कहते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है चीजों को रिपीट करो, रिवीजन करो। और इसीलिए हमारी जो क्रिक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन है वहां पे मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक पे क्विज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कम से कम जितनी बनी हुई है, जितनी आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ मैं अभी, उनको आप रिवाइज करते रहो। और जब भी चीजों को पढ़ो तो चीजों को लिंक कर करके पढ़ना सीखो, आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा रिविजन के लिए, पढ़ते समय सारा रिविजन हो जाएगा। जैसे अभी नर्स हमने पकड़ा, हमें याद आ गया नर्स से भी यार कोई इंपॉर्टेंट डे होता है क्या? हाँ होता है ना, इंटरनेशनल नर्स डे होता है, कब मनाते हैं? 12 मई को। लो रिविजन हो गया। तो ये होता है एक पढ़ाई का तरीका। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइव्स के रूप में घोषित किया था, याद होगा आपको। अच्छा तो अभी तक अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए हमने? 1 अप्रैल को हमने मनाया, अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना, उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। और 2 अप्रैल को हमने मनाया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म एक तरह का मानसिक रोग है। 4 अप्रैल को अपन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर 5 अप्रैल को मनाया राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। और 5 अप्रैल को ही इस साल हमने पहली बार मनाना शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। और 6 अप्रैल को हमने मनाया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। और अब 7 अप्रैल को हम मना रहे हैं
वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने, जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है मैं आपको सारे इसी तरह से रिवाइज कराता हूँ। तो जब भी हम रिवाइज करें तो आप चीजों को बोला करो, बोलने से चीजें ज्यादा याद आती है। अच्छा गाइज, आप लोगों ने बोला था जो इंपॉर्टेंट डेज है मार्च वाले महीने के, उसका क्विज करवा दीजिए, उसका वीडियो में आप रिविजन करवा दीजिए। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम को हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उस वीडियो में हम इन सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिविजन करेंगे विद थीम, में आपको बताऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट डेज से लिंक करके मैं आपको चीजें बता सकता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के बाद अपनी जो क्रेक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन है वहां पे इसका क्विज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि वो वीडियो देखने के बाद आप वहां जाकर के उसकी प्रैक्टिस कर सको और फ्यूचर में कभी भी जब भी आपको रिविजन करना हो वहां जाकर के आप उसको रिवाइज कर सको, सारे क्वेश्चंस को आप टेस्ट लगा सको। तो शाम के 10-15 मिनट अपने लिए निकाल करके रखना, शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन जो आता है अगर उसको दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, तो आप एक बार चेक कर लेना, आप पे बेल आइकन पे क्लिक तो कर रखा है ना, क्योंकि बहुत सो को प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया है नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, वो इसी कारण से नहीं मिलते हैं, आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि व्यूज होते हैं तो पढ़ाने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो ध्यान रखना शाम को आज करने वाले हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल में। अब इस योजना में क्या है, तो अभी आपको बताया लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घरों पे बंद है, अब किसी को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, या तो वो बैंक जाएगा या फिर ATM जाएगा। तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो आपका आसपास का आपका जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें आपको फोन करना है, वहां पे अपने बैंक का नाम बताना है और कितने पैसे आपको चाहिए बताना है और अपने घर का पता बताना है। फिर एक डाकिया पैसे लेकर के आपके घर पे पहुंचेगा और एक मशीन वो लेकर के आएगा जहाँ पे थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाएगा और जो भी प्रोसेस होगा उस तरह से आपको पैसे घर पर ही दे दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये जो सुविधा, ये जो सर्विस होगी उन्हीं खातों के लिए अवेलेबल होगी जो खाते आधार कार्ड से लिंक है, और इसमें लिमिट भी है, एक दिन में आप 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हो। अब बात है यहाँ पे केरल की, तो ये रहा मैप में केरल, कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है, और याद रखना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपका तिरुवनंतपुरम में ही है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, S. मणिकुमार है, कुछ समय पहले ही बने थे ये। और अभी केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम है योद्धाऊ एप्लीकेशन, और मैं आपको बता ही चुका हूँ सबरीमाला मंदिर है यहाँ पर। और अभी सबरीमाला मंदिर वैसे न्यूज में भी था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में जो गहने आते हैं उनकी सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को यूज करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, तो इस एप्लीकेशन से क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा याद रखना, भारत की पहली व्यावसायिक LNG बस ये किस राज्य में शुरू हुई है, तो केरल में, केरल के कोच्चि में ये शुरू हुई है पहली कमर्शियल LNG बस। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा आपको याद होगा केरल का मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको, N. रामकुमार को। अच्छा याद रखना, भारत की पहली सुपर फैब लैब ये भी कहाँ पे बनी है, ये आपकी केरल में बनी है। इसके अलावा अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट की रिपोर्ट आई थी और उसमें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में टॉप पे रहा था केरल का मल्लपुरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में डोपिंग के कारण थाईलैंड और किस देश के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करने से बैन लगा दिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। तो अभी थाईलैंड और मलेशिया के जो वेटलिफ्टर हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया और इसी कारण से इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने इन दोनों देशों के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और थाईलैंड की अमेच्योर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की सदस्यता को 3 साल के लिए यानी कि 1 अप्रैल 2023 तक और मलेशियाई वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन को 1 अप्रैल 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया है। अच्छा याद रखना, ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नाम आया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बुडापेस्ट हंगरी में है और इसके प्रेसिडेंट हैं तमास अजान। अच्छा वैसे आपको याद है ना, ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो इस साल होने वाले थे इनको पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण, अब ये 2021 में होंगे, नाम इनका टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। यहाँ पे दो देशों की बात हुई है तो पहले थाईलैंड के बारे में आप देख लीजिए, ये रहा मैप में थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई बहत है और प्रधानमंत्री है प्रयुत चान ओचा। यहाँ पे दूसरा देश है हमारा मलेशिया, तो ये रहा मैप में मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशिया रिंगित और अभी इसके नए प्रधानमंत्री बने थे कुछ दिन पहले, क्या नाम है उनका, मोइनुद्दीन यासीन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में महमूद जिब्रिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, आपको बताना है ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे,
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लीबिया के। तो अभी हाल ही में लीबिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे महमूद जिब्रिल, COVID-19 के कारण इनका निधन हो गया। अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना वायरस के कारण और कुछ लोगों का भी, फेमस लोगों का निधन हुआ था, जैसे कि स्पेन की महारानी मारिया टेरेसा, इनका भी निधन हुआ कोविड-19 के कारण। और अभी हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल की जो वायरोलॉजिस्ट थी गीता रामजी, उनका भी COVID-19 के कारण निधन हो गया। और अभी जापान के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमुरा, इनका भी COVID-19 के कारण निधन हो गया। और वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा यहाँ पे बात लीबिया की है, तो ये रहा मैप में लीबिया, अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल ट्राइपोली है, करेंसी है लीबियन दिनार, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए 5T योजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा ये 5T का मतलब क्या हो गया? पहले टी का मतलब हो गया टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रेकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो 5T योजना की घोषणा की है दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के अनिल बैजल। याद रखना अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस किसको सौंपा गया है? SN श्रीवास्तव को। और वैसे दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रख दिया गया है। वैसे अरुण जेटली जी के नाम पे जो फरीदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका नाम भी रखा गया है। और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है। और भारत का पहला स्मोग टावर ये दिल्ली में ही लगाया गया है, जो अपने आसपास की जो एयर है उसको शुद्ध करेगा, तो इतना याद रखना। इससे बढ़ते आगे, फिर है भारतीय रेलवे किस रेलवे कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले G1 वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कपूरथला में। तो इंडियन रेलवे इसका निर्माण कर रही है पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। तो आपको पता होगा जो COVID-19 के पेशेंट होते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और इसीलिए उनको रखा जाता है वेंटिलेटर पर। पर अब जैसे जैसे भारत में COVID-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हमारी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास तो भाई लिमिटेड अमाउंट में ही वेंटिलेटर है ना, कभी ऐसी जरूरत तो पड़ी नहीं है। लगभग हमारे पास 40,000 वेंटिलेटर है, इसीलिए अभी सब, चाहे फिर वो DRDO हो, चाहे फिर वो IIT इंस्टीट्यूट्स हो या कार बनाने वाली कंपनियां हो, ये सब इस वक्त वेंटिलेटर पे ध्यान दे रही है, वेंटिलेटर बना रही है ये सब। अच्छा देखो यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न आपका ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने रेल कोच फैक्ट्रीज है? तो 3 है। रेल कोच फैक्ट्रीज मतलब जहाँ पे रेल के डब्बे बनते हैं, तो 3 कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री हो गई आपकी चेन्नई में, और रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला पंजाब वाली हो गई, और एक हो गई मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये आपके रायबरेली में है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था वो दक्षिण मध्य रेलवे ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन शुरू की है, तो वो भी आप याद रखना। अच्छा दक्षिण मध्य रेलवे से एक और पॉइंट याद रखना, अभी इसने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए SBI के साथ समझौता किया था। और वैसे कल भी हमने पढ़ा था कि SBI ने भी अभी सभी के लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू कर दी है। अच्छा जब भी रेलवे की बात आती है, 3 ट्रेन के बारे में आपको बताता हूँ, 3 प्राइवेट ट्रेन है हमारी। पहली जो प्राइवेट ट्रेन है आपकी तेजस एक्सप्रेस, वो कहाँ से कहाँ चलती है आपको याद रखना है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है। दूसरी वाली जो आपकी तेजस एक्सप्रेस है, वो चलती है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। और तीसरी जो आपकी प्राइवेट ट्रेन है, वो चलती है इंदौर और वाराणसी के बीच में, लेकिन तीसरी वाली का नाम क्या है? काशी महाकाल एक्सप्रेस नाम है, तो ये आपको याद रखना है। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हो गए, और पहले रेल मंत्री के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो उनका नाम है जॉन मथाई। बढ़ते आगे, फिर है अभी किस इंस्टीट्यूट ने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी IIT रुड़की ने। तो अभी IIT रुड़की ने तैयार किया है ये प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर। इसकी कीमत भी काफी कम होगी, लगभग 25,000 रुपए के आसपास ये तैयार किया गया है, और COVID-19 के मरीजों के लिए इसे बनाया गया है। तो अभी इसे IIT रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर के बनाया है। अच्छा वैसे अभी IIT रुड़की कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, जब हमने पढ़ा था कि इसने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कम लागत वाले फेस शील्ड बनाया था, ताकि उन्हें संक्रमित होने से बचाया जा सके। और अभी आपको याद होगा IISc बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर बनाए थे, तो वो प्रोजेक्ट प्राण था, ये प्राण वायु है, तो ये थोड़े से आपको नाम ध्यान रखने होंगे। बाकी IITs की अगर बात चल रही है, तो कुछ IITs के बारे में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि IIT गांधीनगर की बात करेंगे,
तो अभी लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए इसने एक प्रोजेक्ट आईजैक को शुरू किया था। आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन इसने बनाया। और आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो देखो, भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। उसके अलावा भी आईआईटी मद्रास ने ही अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन विकसित किए थे। और हमने पढ़ा था अभी आईआईटी कानपुर ये भी कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित कर रहा है। और वैसे आईआईटी गुवाहाटी भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जैसे सड़क वगैरह, पार्क, फुटपाथ वगैरह जैसी बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए इसने ड्रोन तैयार किया है। तो ये अभी कुछ आईआईटीज न्यूज़ में थे जो मैंने आपको रिवाइज करा है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर अभी हाल ही में IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करुणा। तो अभी सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए करुणा नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अच्छा, करुणा का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो गया? सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। और इस प्लेटफॉर्म को IAS एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव चोपड़ा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन ये न्यूज़ में रही थी, कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया था संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए। और उससे पहले कोरोना कवच एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ये मोबाइल एप्लीकेशन तो भारत सरकार ने लॉन्च की थी कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने के लिए। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।